आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा और एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा ने शनिवार को मड़ुआ डी क्षेत्र के चांदपुर चौराहे पर निःशुल्क हेलमेट वितरण किया। इस पहल के तहत बाइक सवार व्यक्ति और स्कूटी सवार महिलाओं एवं युवतियों को हेलमेट वितरित किए गए। हेलमेट वितरण के दौरान चौराहे पर भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने व्यवस्थित रूप से सभी को एक एक कर हेलमेट प्रदान किया। इस आयोजन में सड़क पर बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया गया और उन्हें हेलमेट पहनने के फायदे समझाए गए। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों में हरिराम मौर्य निवासी चोलापुर, अमित अग्रवाल निवासी चौखंभा, नीरज पांडे निवासी रूपापुर, कोमल जायसवाल निवासी मोड़ेला, सरिता पटेल निवासी चांदपुर और सितारा देवी समेत अन्य लोग शामिल रहे। सभी ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना की और हेलमेट पहनने की आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनने का वादा किया। कार्यक्रम के दौरान मड़ौली चौकी प्रभारी राहुल सिंह, लहरतारा चौकी प्रभारी पवन यादव, उप निरीक्षक विवेक कुमार, उप निरीक्षक खुशबू और उप निरीक्षक नेहा परवीन समेत अन्य पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया और लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। डीसीपी चंद्रकांत मीणा ने इस अवसर पर कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। यह न केवल कानूनी बाध्य है बल्कि जीवन सुरक्षा का अहम उपाय भी है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे हेलमेट का नियमित उपयोग करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस जागरूकता कार्यक्रम को स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों ने सराहा। उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा इस पहल को एक सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोग यातायात नियमों के प्रति अधिक जागरूक होंगे। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।